हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 4, द वीट इज़ चीपर पार्ट 2। इसके पहले थर्ड लेसन में था द वीट इज़ चीपर पार्ट 1, उसमें मर्चेंट ने स्टोरी सुनाई थी लेकिन फार्मर ने स्टोरी पर कोई डाउट कास्ट नहीं किया था। अब इस चैप्टर में फार्मर की बारी है, फार्मर स्टोरी सुनाता है। अशोक कहता है, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर एट ऑल। मर्चेंट को कोई पैसे नहीं मिले, मतलब फार्मर से। फिर डेविड कहता है, हाउ कुड ही, द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, ही वॉज वेरी क्लेवर। तो डेविड कहता है कि कैसे मिलेंगे, फार्मर ने कोई डाउट कास्ट किया ही नहीं था स्टोरी पर, और वो क्या था, बहुत ज़्यादा चालाक था। अशोक कहता है, इफ़ द मर्चेंट इज़ क्लेवर ही वॉन्ट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी आइदर, सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड। अगर मर्चेंट क्लेवर होगा तो वो भी स्टोरी पर कोई डाउट कास्ट नहीं करेगा फार्मर की, और इसी तरह स्टोरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर रवि कहता है कि नो, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम, कि नहीं, रवि ने कहा कि नहीं, फार्मर ने ऐसा कुछ किया कि मर्चेंट को उसे पैसे देने पड़े। डेविड कहता है, फिर डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, क्या मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पर डाउट कास्ट किया। तो रवि कहता है कि नो, नहीं। तो डेविड कहता है फिर, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल, तो फिर मर्चेंट को पैसे कैसे देने पड़े फार्मर को। रवि, डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर स्टोरी, ये मुझसे अभी मत पूछो, तुम तो स्टोरी सुनो। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, सेड द फार्मर, बट माइन इज सिंपलर, शैल आई बिगिन। फार्मर फिर कहता है उसको कि तुम्हारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, उसके लिए थैंक यू, अब मेरी स्टोरी तो काफ़ी सिंपल सी है, क्या मैं स्टार्ट करूँ। मर्चेंट कहता है कि यस प्लीज़। द फार्मर बिगेन द स्टोरी, फार्मर स्टोरी स्टार्ट करता है, माई फादर वॉज अ फार्मर, ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट, एवरी संडे ही यूज टू गो इन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज, पीपल एडमायर द हॉर्स एंड इट सैडल एंड दे यूज टू से, वॉट अ फाइन हॉर्स, वॉट अ फाइन सैडल। उसके पिताजी जो थे वो एक किसान थे, उनके पास एक घोड़ा था बहुत ही अच्छा, और उसकी बहुत ही अच्छी सैडल, मतलब घोड़े के ऊपर जो कवर रखते हैं वो उसे सैडल कहते हैं। उनके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था और उसकी बहुत ही अच्छी सैडल थी। हर संडे को उसके पिताजी मार्केट जाया करते थे पास के विलेज में घोड़े पर बैठकर। वहाँ के लोग घोड़े को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और कहते थे, कितना अच्छा घोड़ा है और उसकी सैडल भी कितनी अच्छी है। वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड होम ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ सोर ऑन हिज बैक। एक दिन मेरे पिताजी जो थे वो घोड़े को मार्केट लेके गए थे संडे के दिन, और जब वो वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि घोड़े के पीठ पर एक घाव हो गया है। वॉज इट वेरी बिग, द मर्चेंट आस्क्ड, मर्चेंट ने पूछा, क्या वो घाव बहुत बड़ा था। येस, द फार्मर रिप्लाइड, एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, डू यू नो हाउ ही गोट द सोर। उसका फार्मर ने कहा कि हाँ, वो जो घाव था वो बहुत बड़ा था, तुम्हारी हाथ की जो हथेली है उसके उतना बड़ा था, तुम्हें पता है उसको वो घाव कैसे हुआ। हाउ कैन आई आज द मर्चेंट, लुकिंग वेरी क्लेवर, आई ओनली नो दैट द सोर वॉज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड, इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लोट ऑफ पेन। तो मर्चेंट कहता है कि उसे कैसे पता होगा, उसे सिर्फ इतना पता है कि वो इतना बड़ा था जैसे कि उसके हाथ की हथेली जितना बड़ा, और उसने तो काफ़ी ज़्यादा पेन दिया होगा बेचारे एनिमल को। नो इट डिडंट, दो इट वॉज वेरी बिग एज पाम ऑफ योर हैंड, माई फादर डिडंट नो That the saddle was torn and it is caused the sore. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, वो भले ही तुम्हारी हाथ की हथेली जितना बड़ा था लेकिन इतना दर्द वो उसे नहीं दे रहा था। मेरे पिताजी जो थे उन्हें नहीं पता था कि उसकी जो सैडल है वो टूटी हुई है, इसलिए उस टूटी हुई सैडल की वजह से उसे क्या हो गया था, घाव हो गया था। It was the month of June and there was a storm. The poor horse got the lot of dust into the sore and with the dust some of the grains of wheat too. Then it rained and so the grains of wheat began to sprout. वो जून का महीना था, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, वो जो घोड़ा था बेचारा एनिमल के घाव पे बहुत सारी मिट्टी चली गई थी, और मिट्टी के साथ साथ ही grains of wheat, गेहूँ के कुछ दाने भी चले गए थे। फिर बारिश हुई और वो जो गेहूँ थे वो क्या हो गए, अंकुरित होने लग गए। What a wonder, said the merchant, but he quickly added, it is quite possible grains of wheat sprout when they get a chance. वॉट अ वंडर, कितना अच्छा सीन होगा ना, मर्चेंट कहता है,
बट ही क्विकली एडेड, बट वो जल्दी से ऐड क्या कर देता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जब क्या हो बारिश हो और गेहूँ को कोई मौका मिले कि वो क्या करे, स्प्राउट कर पाए, अंकुरित हो पाए. यस दे स्प्राउटेड एंड ग्रू एंड देन वॉट अ फाइन क्रॉप वी हैड. माई फादर हैड टू हायर 20 मैन टू रिपीट. हाँ वो स्प्राउट हो गए थे और हमारी इतनी अच्छी फसल हुई थी ना कि मेरे पिताजी को 20 लोगों को हायर करना पड़ा था उसे काटने के लिए. आई हैड डन इट माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम. समटाइम आई यूज टू हायर इवन 40 मैन. When there was a good crop, we had to hire quite good number of men for reaping. हाँ कई बार मैंने भी उसकी फसल, उसके पीठ पर जो फसल हुई थी उसे काटा है. Sometimes हमें कई बार तो 40 लोगों को भी हायर करना पड़ जाता था जब हमारी फसल क्या होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी. Yes, we had a very good crop and reaped 40,000 kilos of wheat of horseback. हमारी फसल जो थी बहुत अच्छी हुई थी और हमें क्या मिले थे, 40,000 किलो हमने गेहूँ निकाल लिए थे घोड़ी की पीठ पर से. हाउ लकी योर फादर वॉज. तो वो कहता है कि वाह तुम्हारे पिताजी कितने लकी थे. वेरी लकी इंडीड बट योर फादर यू नो वॉज अ पुअर एंड स्टारविंग दोज डेज. सो ही केम टू माई फादर एंड बेग्ड हिम टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ वीट. मेरे पिताजी तो बहुत लकी थे, फार्मर ऐसा कहता है कि मेरे पिताजी जो थे वो तो बहुत लकी थे, बट तुम्हारे पिताजी पता है उस टाइम पर बहुत गरीब हुआ करते थे और भूखे मर रहे थे. तो वो मेरे पिताजी के पास आए और उनसे बैग किया, मतलब भीख मांगी कि उन्हें 75 किलो वीट को दे दे. द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री. हिज फादर नेवर स्टार्व्ड बट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग. ये सुनकर मर्चेंट को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके पिताजी की कभी ऐसी हालत नहीं थी कि वो भूखा मरना पड़े उनको, पर वो स्टोरी पर डाउट तो कास्ट कर नहीं सकता था, इसलिए उसने एफर्ट्स करके अपनी जबान को काबू में करा. माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर. फार्मर कहता है कि फिर मेरे पिताजी वो बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे. सो वेन ही सो योर फादर स्टार्विंग ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ वीट. मेरे पिताजी तो बहुत ही अच्छे नेबर थे, तब उन्होंने तुम्हारे पिताजी को ऐसे भूखे मरते हुए देखा तो उन्होंने 75 किलो गेहूँ दे दिए थे तुम्हारे पिताजी को. द मर्चेंट बिगन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर्स ही वॉज कैलक्यूलेटिंग. मर्चेंट जो था अपनी फिंगर्स को ऊपर नीचे करने लगा. मर्चेंट अब अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करके करने लगा. ही वॉज कैलक्यूलेटिंग, वो कुछ कैलकुलेट कर रहा था. वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग. फार्मर कहता है कि तुम अपनी उंगलियों और अंगूठे को ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, क्या तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो. यस आई एम द मर्चेंट रिप्लाइड. मर्चेंट कहता है कि हाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ. देन ही सेड टू हिमसेल्फ द वीट कॉस्ट लेस देन 100 rupees सो आई शेल पे हिम द प्राइस ऑफ वीट. फिर वो खुद से कहता है कि वीट के जो पैसे हैं वो 100 rupees से कम है, तो वो क्या करे उसको गेहूँ के ही पैसे दे दे. ही टर्न टू द फार्मर एंड गिव हिम 75 rupees सेड हियर इज़ द मनी फॉर द वीट. वो फार्मर की तरफ टर्न करता है उसे 75 rupees देकर कहता है कि ये लो तुम्हारे गेहूँ के पैसे. थैंक यू सेड द फार्मर, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट एंड आई लाइक द बार्गेन. फार्मर को कहता है कि थैंक यू, तुम तो बहुत ज़्यादा क्या हो, समझदार हो और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो. एंड आई लाइक द बार्गेन, और मुझे तुम्हारा बार्गेन अच्छा लगा रवि. एंड नाउ डेविड इजंट द वीट चीपर. फिर रवि उसको कहता है कि अब बताओ क्या गेहूँ सस्ते नहीं थे. डेविड येस आई डोंट कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, आई एग्री दैट द वीट इज चीपर. हाँ मैं तुम्हारी स्टोरी पर कोई डाउट नहीं करता हूँ, मतलब गेहूँ क्या थे सस्ते थे. अगर वो स्टोरी पर डाउट कास्ट करता मर्चेंट तो उसे 100 rupees देने पड़ते, लेकिन उसने क्या करा स्टोरी पर डाउट कास्ट ना करके उसे गेहूँ के पैसे दे दिए, मतलब उसे 75 rupees दे दिए. सो ज़्यादा क्लेवर तो कौन था, फार्मर. अभी हमने स्टोरी देखी चैप्टर की. नाउ इट इज़ द वर्कशीट. सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स है एडमायर, टू रिस्पेक्ट मतलब प्रशंसा करना, बारगेन अ थिंग बॉट फॉर लेस देन द यूजुअल प्राइस मतलब मोल तोल करना, बैग टू आस्क इन द एंग्जियस वे इन नीड निवेदन करना, इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग मतलब दिलचस्प, मर्चेंट अ पर्सन हु बायज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज मतलब सौदागर, रीप कट अ क्रॉप मतलब काटना, सॉर पेनफुल एंड रेड पार्ट ऑफ द बॉडी पीड़ादायक. नेक्स्ट इज कम्प्रहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. फर्स्ट है डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, क्या मर्चेंट ने डाउट कास्ट किया था फार्मर की स्टोरी पर.
नो द मर्चेंट डिड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, तो नहीं मर्चेंट ने कोई डाउट कास्ट नहीं किया था फार्मर की स्टोरी पर. सेकेंड इज हाउ डिड द फार्मर मेक द मर्चेंट पे हिम, फार्मर ने ऐसा क्या किया कि मर्चेंट को उसे पैसे देना पड़े. द फार्मर मेक द मर्चेंट पे हिम बाय टेलिंग हिम अ फॉल्स स्टोरी, मर्चेंट को फार्मर ने क्या करी, एक झूठी कहानी सुनाई. थर्ड वाई डिड द मर्चेंट नॉट ऑब्जेक्ट द फार्मर्स चार्ज अबाउट हिज फादर, मर्चेंट ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया फार्मर ने उसके पिताजी के लिए जो बोला था उस पर. द मर्चेंट डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द फार्मर्स चार्ज अबाउट हिज फादर बिकॉज इफ ही कास्ट अ डाउट ऑन हिज स्टोरी ही हैव टू पे हिम 100 रुपीज़, क्योंकि अगर वो उसकी स्टोरी पर डाउट कास्ट करता तो उसे 100 रुपये देने पड़ते फार्मर को. फोर्थ है वाई वॉज द मर्चेंट साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर स्टोरी, मर्चेंट चुप क्यों था फार्मर की स्टोरी पर. ही वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर स्टोरी बिकॉज इफ ही कास्ट अ डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी ही वुड हैव टू पे हिम मनी, वो चुप इसलिए था क्योंकि अगर वो डाउट कास्ट कर देता उसकी स्टोरी पर तो उसे क्या करना पड़ता, उसे 100 रुपये देने पड़ जाते. फिफ्थ वाई डिड द मर्चेंट डिसाइड टू पे द फार्मर, मर्चेंट ने फार्मर को पैसे देने का डिसाइड क्यों किया. द मर्चेंट डिसाइड टू पे द फार्मर बिकॉज द प्राइस ऑफ वीट इज लेसर देन द प्राइस ऑफ कास्टिंग डाउट ऑन ए स्टोरी, उसने पैसे देने का इसलिए तय किया क्योंकि उसको गेहूँ के पैसे जो थे वो कम थे किससे, अगर वो स्टोरी पर डाउट कास्ट करता तो उससे. सिक्स्थ है हाउ मच मनी डिड द मर्चेंट पे द फार्मर, मर्चेंट ने कितने पैसे दिए थे फार्मर को. द मर्चेंट पे 75 रुपीज़ टू द फार्मर एज द प्राइस ऑफ वीट, मर्चेंट ने फार्मर को 75 रुपीज़ दिए थे किसके पैसों के तौर पर, गेहूं के पैसों के तौर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक वॉज क्लेवरर द मर्चेंट और द फार्मर, आपको क्या लगता है ज़्यादा क्लेवर कौन था मर्चेंट या फिर फार्मर. द फार्मर वॉज क्लेवरर देन द मर्चेंट एज ही मेक द मर्चेंट पे ही मनी, फार्मर जो था वो ज़्यादा क्लेवर था क्यों, क्योंकि उसने मर्चेंट को पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेक ट्रू और फॉल्स, नीचे सेंटेंस दिए हुए उसको रीड करके ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट है द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, क्या मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पर डाउट कास्ट किया था, तो नहीं किया था इसलिए फॉल्स है. द मर्चेंट हेल्ड हिज टंग, ट्रू है. द फार्मर हैड अ वीक हॉर्स विदाउट अ सैडल, तो फॉल्स है क्योंकि उसका घोड़ा तो बहुत अच्छा था और उसकी सैडल भी क्या थी, बहुत अच्छी थी. द ग्रेन स्प्राउटेड ऑन द हॉर्स बैक, ट्रू. द मर्चेंट गेव हिम द 100 रुपीज़, तो फॉल्स, उसने 75 रुपीज़ दिए थे. द फार्मर सेड द फार्मर स्टोरी फेल्ड टू इम्प्रेस द मर्चेंट, क्या फार्मर की स्टोरी मर्चेंट को इम्प्रेस करने में फेल हो गई थी, तो फॉल्स, उसने उसको इम्प्रेस कर लिया था. नेक्स्ट है ग्रामर इन यूज, फ्रेम द क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइंड आंसर यूजिंग वॉट हाउ मच एंड वेयर, वॉट हाउ मच और वेयर यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है. एग्जाम्पल मैं आपको एक दिया हुआ है ऑलरेडी, द फार्मर्स फादर हैड अ फाइन हॉर्स, हमने क्वेश्चन बनाया है इसका हु यूज़ करके, हु हैड अ फाइन हॉर्स. नेक्स्ट है ही यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट, इसका क्वेश्चन वेयर से बनाया, वेयर डिड द फार्मर यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स. उसके बाद है द फार्मर फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ सोर ऑन इट्स बैक, इसका क्वेश्चन व्हाट से बना है, व्हाट डिड द फार्मर फाउंड ऑन द हॉर्स बैक. उसके बाद लास्ट है ही बेग्ड हिम टू गिव 75 किलोज ऑफ वीट, इसका क्वेश्चन बना है हाउ मच से, हाउ मच वीट डिड ही बेग टू हिम. सो हियर दिस एंड ऑफ द वर्कशीट, ये वर्कशीट आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है, अगर कोई डाउट है तो आप ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं. थैंक यू.